जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को आपको पता है कि जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आनी थी वो आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसकी नोटिफिकेशन की हमने कुछ देर पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिफिकेशन डाल दिए, दोनों के डाल दिए। मतलब 452 पद एसआई के हैं और 4208 पद किसके हैं? कांस्टेबल के हैं। अब जिसकी पूरी जानकारी हम देंगे, पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन अब ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें क्या क्या जानकारी है, मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज होगी आपकी, एज का क्राइटेरिया क्या होगा और क्या हाइट फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा और जो मतलब कि जो मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ अलग से चीज बताएंगे आपको कि सिलेक्शन किस प्रकार से लेना है, मतलब कि कांस्टेबल और एसआई में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कांस्टेबल के बारे में। पहले हम कांस्टेबल के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको एसआई के बारे में बताएंगे कि एसआई कितनी वैकेंसी है, एसएस जोन से। देखो इसमें अब जोन नहीं दिए गए हैं, वो बात अलग है, फिर हम बात बताएंगे आगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं किसकी, कांस्टेबल के बारे में शुरुआत करते हैं। आपको जैसे बताया कि इसकी ऑनलाइन डेट है जो कितनी है, 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक है। ठीक है, 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं इनके। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसकी बात करें हम किसकी करेक्शन डेट की बात करें, तो करेक्शन डेट कितनी है, 15 मई से लेके 24 मई तक करेक्शन डेट है। मतलब कि जो आपके फॉर्म में गलती हो चुकी है ना, वो आप सुधार सकते हैं। कितने दिन में सुधार सकते हैं, 15 मई से 24 मई तक आप सुधार सकते हैं। इतने दिन है, 9-10 दिन है आपके लिए, उतने में आप सुधार सकते हैं, विंडो खुल जाएगी। ठीक है, एक महीने का टाइम आपके लिए किसके लिए दिया गया है, ऑनलाइन के लिए दिया गया है, और 10 दिन का टाइम आपके लिए करेक्शन करने के लिए दिया गया, गलती हो गई है। ठीक है, हम बात करें आपको वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपको पता है कांस्टेबल की वैकेंसी है। कांस्टेबल की वैकेंसी देखो, आपको पूरा स्किल बता दें, कांस्टेबल की वैकेंसी है लेवल 3 में आती है। ठीक है, जैसे ग्रुप डी सुनाओ लेवल 1 की है, ऐसी कांस्टेबल लेवल 3 की है। इसका अगर बेसिक पे की बात करें 2700 होता है। ठीक है, और हम बात करें आगे की इसकी एज की बात करें, वो अभी पूरा हम बताएंगे इसका क्राइटेरिया। ठीक है, उसकी वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी कितनी है, 4208 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 4208 वैकेंसी है, जिसमें से 600 कुछ किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, और 3500 कुछ है किसके लिए, पुरुषों के लिए है। यानी इसमें भी डिवाइड करके रखा है, मतलब कि 4200 में से 600 कुछ महिलाओं के लिए, 3500 कुछ किसके लिए है, पुरुषों के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए कांस्टेबल लेवल। जैसे एसएससी जीडी में 10th मांगा जाता है ना, उसी प्रकार से इसमें भी क्या कांस्टेबल के लिए 10th मांगा जाता है। लेकिन कई जगह स्थानों पर जैसे कि यूपी में 12th मांगा जाता है, और अदर एग्जामों में कई कई कांस्टेबल को लेके एमपी में या कहीं भी जैसे देखो अदर स्टेटों में तो 12th मांगते हैं, लेकिन इसमें क्या 10th स्टैंडर्ड मांग गया है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी, आगे हम बात करें इसकी एज रिलेक्शन की या एज की बात करें, तो एज की कितनी होनी चाहिए, दो कोरोना से पहले जब भी वैकेंसी आई है तो इसकी एज कितनी थी, 18 से 25 साल थी पहले थी, उससे पहले जब भी 18 में भर्ती आई थी ना उस समय। लेकिन अब जो भर्ती आई इसकी एज कितनी कर दी गई सबके लिए, सब कैटेगरी के लिए 18 से 28 साल, यानी 3 साल का एज रिलेक्शन दिया गया ऑल टोटली के लिए। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कि इस बार कितनी होनी चाहिए, 18 से 28 साल तक की एज होनी चाहिए। फिर कैटेगरी वाइज क्या दिया गया एज रिलेक्शन, जैसे कि वो एससी एसटी के लिए कितने 5 साल के लिए दिया गया, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल के लिए दिया गया, एक्स सर्विस मैन के लिए, UREWS के लिए 3 साल के लिए, ओबीसी क्या है NCL के लिए 6, मतलब इस प्रकार से क्राइटेरिया डिवाइड करके रखा है। ठीक है, और हम बात करें इसकी कि एज लिमिट भी इसमें दी गई है कितने साल की, मतलब कहाँ कब तक आपकी क्या होनी चाहिए डेट ऑफ, तो कब से काउंट होनी चाहिए वो आपको दिख रहा होगा ऑल टोटली। ठीक है, आगे हम बात करें, तो हमने बात कर दी किसकी आपकी एज की, आगे हम बात करें फीस की, फीस कितनी कटेगी। देखो फीस है दो सब कैटेगरी के लिए, जैसे SC ST मतलब SC ST OBC सबके लिए अलग अलग कटती है, महिलाओं के लिए अलग कटती है, अलग लगती है। तो देखो ओबीसी जनरल EWS के लिए कितनी दी गई, ओबीसी जनरल EWS के लिए 500 केवल पुरुषों के लिए बता रहे हैं, महिलाओं के लिए तो अलग कैटेगरी है। ठीक है, EWS OBC और जनरल के लिए कितनी लगेगी, 500 रुपए फीस लगेगी। जब आपका क्या हो जाएगा CBT हो जाएगा तो आपकी 400 रुपए फीस क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी, जो अकाउंट नंबर डाला जाता है उसमें क्या हो जाती है वापस रिफंड आपकी फीस हो जाती है। रेलवे यही करती है कि जब भी आपका एग्जाम लेगी तो उसके एग्जाम के बाद आपकी फीस जो अपने लगी थी वो आपकी रिफंड कर दी जाती है। ठीक है, और हम बात करें SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन की, तो कितने रुपए लगेगी, 250 रुपए फीस लगेगी और एग्जाम के बाद आपके 250 ही रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात है। आगे हम बात करें किसकी, आगे हम बात करते हैं आपकी क्राइटेरिया की, मतलब कि किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा आपका, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें क्या क्या होगा, तो पहले तो आपका क्या होगा जो भी है, जैसे पहले आपका क्या होगा ऑनलाइन करना होगा, फिर आपका क्या होगा
सीबीटी होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होने के बाद डीबी होगा, डीबी के बाद मेडिकल होगा, फिर आपकी फाइनल मेट आएगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज है, ठीक है, आपको हमने पहले ही बता दिया था, 10th पास वैकेंसी है। अब हम बात करें किसकी, सीबीटी की। आप कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना है आपको सिलेक्शन के लिए, आपका पहले सीबीटी होगा, एग्जाम होगा, फिर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, फिर आपका डीबी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये चीज है, ऐसे मतलब प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। इसके बाद हम बात करें आपकी सीबीटी की, सीबीटी में क्या होगा, कितने नंबर का होता है, क्या क्या आता है, उसके बाद बात करेंगे। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें क्या होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, कंप्यूटर से कंप्यूटर ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कंप्यूटर पर करने पड़ेंगे आपका, ठीक है। और 1/3 की क्या होगी आपकी, माइनस मार्किंग होगी, क्या होगी, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। 120 क्वेश्चन यानी 120 नंबर के ही होंगे, 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक नंबर आपका, एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, ये चीज है, ठीक है। इसमें ये वो एक और क्राइटेरिया है कि आपके मिनिमम नंबर इतने तो होने ही होने चाहिए, जब आप तब आप पास माने जाओगे। जैसे कि ओबीसी मतलब अंधजब के लिए 35%, ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, ओबीसी के लिए 35%, एससीएसटी के लिए 30%, मतलब कि आप कितने परसेंट नंबर होने ही चाहिए, परसेंट नंबर मतलब 120 का 30% निकालिए, मतलब की बात है 36 नंबर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज है, वो अलग चीज है, इतने से कम अगर नंबर हुए तो आपको मेरिट लिस्ट में लिया ही नहीं जाएगा, ये बात है, ठीक है। हालांकि इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है, 100 से ज्यादा भी जाती है, कई बार गई है, पिछली बार भी देखी थी, बताई थी। अब बात करते हैं सीबीटी की, सीबीटी में क्या क्या आता है, सीबीटी एग्जाम में क्या क्या आता है, कौन कौन से होते हैं। तो सीबीटी एग्जाम में आपके तीन पोर्शन आते हैं, तीन पोर्शन का, कि मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जी की जीएस आती है, जी की जीएस आती है, मैथ रीजनिंग जी की जीएस। अब इसकी हम बात करें कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आते हैं, जी की जीएस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब जोड़ लिए 35 70 और 50 कितने होंगे, 120, ये होता है। तो अब अगर आपने मैथ और रीजनिंग का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, सिलेक्शन होने की दर बढ़ जाती है। अब हम बात करें फिजिकल की, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में जो क्या क्या होता है, फिजिकल में कौन कौन सी चीज मांगी जाती है, फिजिकल में क्या होता है, देखो फिजिकल में आपका रनिंग होगी, आपका चेस्ट होगा, हाइट मापी जाएगी, और इसके अलावा क्या होगा, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप। तो अगर हम बात करें किसकी, आपकी रनिंग की, रनिंग कितनी होती है, 1600 मीटर होती है। लड़कों की बताएं 1600 मीटर रनिंग के लिए टाइमिंग क्या मांगी जाती है, 5 मिनट 45 सेकंड। अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की 800 मीटर होती है, जिनमें 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम मांगा जाता है इतने में। इसमें नंबर वंबर कुछ नहीं होते, केवल आपको क्वालिफाई ही करना होता है। अगर हम बात करें किसकी, लॉन्ग जंप की बात करें, तो लड़कों के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट है और लड़कियों के लिए कितनी है, 9 फीट है, ठीक है। अगर हाई जंप की बात करें तो हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट और लड़कियों के लिए 3 फीट है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फिजिकल है। अब अगर हाइट और हाइट की बात करें और चेस्ट की बात करें, तो हाइट कितना होता है, देखो हाइट कितनी मांगी जाती है, जैसे यू मतलब कि अंडरजर्व यानी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कितनी हाइट होनी चाहिए, लड़कों की हाइट होनी चाहिए 165, और अगर लड़कियों की बात करें तो 157। ये तो नॉर्मल है, किस किस के लिए, अब जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, ठीक है। अगर हम एस सी एस टी की बात करें तो एस सी एस टी के लिए 160 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अलग अलग जो अलग अलग हिल एरिया होते हैं उनके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन मतलब हाइट का रिलैक्सेशन दिया जाता है, दिया गया है, ठीक है। अगर हम चेस्ट की बात करें तो नॉर्मली 80 होना चाहिए, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए, और फिर कितना होना चाहिए, एक्सटेंड करके 85 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए। अगर हम बात करें किसकी एस सी एस टी के लिए बात करें तो 76 से कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। और लड़कियों के लिए क्या है, इसका चेस्ट मापा नहीं जाता, उनके लिए कोई बात नहीं, केवल हाइट ही मापी जाती है, ये चीज है। ये तो हमने बता दिया आपको क्या कि क्या क्या होगा, मेडिकल होगा, डीबी होगा, फिजिकल होगा, क्या क्या होता है, वो चीज बता दी। अब हम बात करते हैं डीबी के लिए, डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। डीबी में तो ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते हैं, जो जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि आपको पता है आधार कार्ड लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब कि डोमिसाइल लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, जो भी जैसे एनसीसी लगाओगे आप उसके लगेंगे, बस यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो आपकी मतलब की गए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का जरूर बनवाएं, सेंट्रल का जरूर बनवाएं, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही लेंगे, नहीं तो अगर आपका स्टेट का होगा तो आपको स्टेट का एक्सेप्ट नहीं करते। अभी भी सुन लीजिए, आप जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहा है तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। हमने आपको ये चीज बताई भी थी, हर जोन की अलग अलग वैकेंसी भी डिवाइड है, लेकिन इसमें वैकेंसी है, जो वैकेंसी क्या होती है, ग्रुप वाइज मतलब की आती है, ग्रुप वाइज ए बी सी डी ई एफ जी ग्रुप वाइज होती है, उनकी कंप्यूटर जानकारी इसमें नहीं दी गई, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं दी गई, कंप्यूटर नहीं, संपूर्ण जानकारी, ठीक है, हम आपको कभी बता देंगे,
ठीक है। अगर हम बात करें आगे किसकी, अब बात करते हैं, ये तो हमने कॉन्स्टेबल की बता दी, अब बात करेंगे हम किसकी, आपकी एसआई की बात करेंगे। एसआई की क्या है, किसकी एसआई की बात करें, मतलब आरपीएफ एसआई की बात करें, तो आरपीएफ एसआई की कितनी वैकेंसी है, 452 वैकेंसी, उसकी टोटल जानकारी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसकी ऑनलाइन डेट की बात करें कि ऑनलाइन डेट, फॉर्म की ऑनलाइन डेट कब से कब तक है, तो 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक है, मतलब एक मिनट, 14 अप्रैल से नहीं, हाँ 15 कल से है, 14 तो कॉन्स्टेबल की है, ठीक है, कितनी है, 15 अप्रैल से लेके 14 मई तक है, 14 मई तक क्या हुई, ऑनलाइन डेट है, फॉर्म भर सकते हैं आप। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए करेक्शन डेट भी दी है, कब से, 15 मई से लेके 24 मई तक क्या है, करेक्शन डेट दी है, 10 दिन की डेट दी है, 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं, आपके फॉर्म में जो भी गलती हुई है वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर कौन से लेवल में आती है, लेवल 6 में आती है। अगर इसकी बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे कितना होता है, 35,400 बेसिक पे होता है। अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, यही कॉन्स्टेबल का है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी B1 मेडिकल के बारे में, मतलब स्टैंडर्ड क्या होगा उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। और हम बात करें एज की, बात करें तो एज की हम टोटल जानकारी अभी बता देंगे कि 20 से 28 साल है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और कैटेगरी वाइज क्या दिया है इसको, अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, वो हम पूरी जानकारी अभी बताएंगे, ठीक है। और हम बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी कितनी है, 452 वैकेंसी है, ठीक है। और हम आगे बात करें तो हमने बता दी वैकेंसी, एज क्या है, ये चीज बता दी, ऑनलाइन फॉर्म बता दी। अगर हम बात करें मतलब क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन 10th, मतलब 10th तो कॉन्स्टेबल मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास मांगी जाती है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तब आपके क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे किसकी एज की, बात करें इसकी एज की, तो पता ही आपको, पहले जो कोरोना से पहले जो भी भर्ती आती थी तो एज क्या ली जाती थी, 18 से आपकी क्या ली जाती थी, मतलब 21 से 25 साल ली जाती थी, ग्रेजुएशन होने के बाद क्या हो जाते, आप फॉर्म भर सकते थे, तो 21 से 25 साल ली जाती थी, ठीक है। लेकिन अब 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो क्या हो गई, 21 से 28 साल तक की आपको सबको मतलब की एज ली जाएगी, लेकिन कैटेगरी वाइज अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि आपकी बात करें, अगर जैसे कि जो मतलब एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और अलग अलग एक्स सर्विसमैन के लिए अलग, जो भी होता है उनके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। ये तो होगी आपकी किसकी बात होगी, एज की बात होगी। आगे हम बात करें किसकी, फॉर्मेट की बात करें, फीस की बात करें, तो फीस को हमने जैसे कांस्टेबल की बताई, वैसे ही क्या है, एसआई की है फीस, की ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल की 500 रुपए लगेगी फीस, इनकी एग्जाम के बाद 400 रुपए रिफंड हो जाएगी, और एससी एसटी फीमेल महिलाओं के लिए सर्विसमैन की 250 फीस लगेगी, एग्जाम के बाद 250 ही वापस हो जाती है, एक चीज ये, ठीक है। और आगे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कांस्टेबल की है वैसे ही इसकी है, बस इसमें थोड़ा क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, किसकी एग्जाम में अंतर हो जाता है, कि थोड़ा उसका कांस्टेबल का सरल आएगा, इसका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है। जैसे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, जब आपने अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका फाइनल मेरिट में नाम उसका सिलेक्शन होगा, ये होता है। अगर हम बात करें किसकी सीबीटी वन की, यानी सीबीटी की बात करें, तो सीबीटी में क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है, तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो हम बता दे रहे कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होते हैं, ऊपर बाई थर्ड की क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन मतलब ही काट लिया जाता है, 1 क्वेश्चन मतलब 1 नंबर काट लिया जाता है, ये चीज है, ठीक है। इसके बाद अगर पास हो गए तो आप जैसे सीबीटी में पास हुए उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो फिजिकल में क्या क्या है, फिजिकल में थोड़ा अंतर हो जाता है कांस्टेबल और एसआई की में, कांस्टेबल का ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसका थोड़ा सरल हो जाता है। अगर कांस्टेबल हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा, पहले हम बात करें कि फिजिकल में पहले चलो बता देते क्या क्या होता है, रनिंग होती है आपकी, हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप होगी, और आपकी हाइट मापी जाएगी और चेस्ट मापा जाता है, ये चीजें होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें मेल की, रनिंग की बात करें, तो मेल को 1600 मीटर रनिंग करनी होती है, कांस्टेबल में कांस्टेबल में 5:45 में करनी होती है, लेकिन एसआई में कितना दिया है, 6:30 मिनट दिया है। अगर हम बात करें किसकी, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं को कितने मिनट में, महिलाओं को 800 मीटर रनिंग करनी होती है, और 800 मीटर रनिंग करने के बाद 800 मीटर रनिंग करनी होती है, 4 मिनट में रनिंग करनी होती है। अगर पुरुषों की लॉन्ग जंप की बात करें तो कितनी, 12 फीट, और महिलाओं के लिए 9 फीट है। अगर हम हाई जंप की बात करें तो मतलब कि लड़कों के लिए 9 फीट मतलब 3 फीट 9 इंच 9 फीट नहीं 3 फीट 9 इंच है, और लड़कियों के लिए 3 फीट है, ये चीज है। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइट की, हाइट की अगर कैटेगरी वाइज हाइट दी गई है, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए क्या है, लड़कों के लिए 165 है और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर है। अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए लड़कों के लिए 160 है और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है।
और अगर हम चेस्ट की बात करते हैं, जैसे चेस्ट की बात करें तो चेस्ट लड़कियों का तो चेस्ट मापा नहीं जाता, लड़कों का ही चेस्ट मापा जाता है। जैसे लड़कों के लिए जैसे EWS OBC जनरल की कितना है 80 से 85 होना चाहिए, और SST के लिए कितना होना चाहिए 76 से 81 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है कि फिजिकल के बारे में बात है। ठीक है, आपको हमने फिजिकल का बता दिया, ये भी बता दिया। अब आपको हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट का, हमने पहले ही बता दिया जो कॉन्स्टेबल के में डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इसमें, बस ये हो जाती है आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है, वही डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए, आपको पता ही है किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं। इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लाएंगे आपके लिए कि क्या क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़े हम इसके लिए, किस प्रकार से पढ़े कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहां पर जुड़ के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तथा हमसे टेलीग्राम इंस्टा आईडी पे भी हम जाके जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दी, वहां पर जुड़ के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।